फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमरान और आप देखें द रियल न्यूज़। तो सबसे का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो टॉपिक है वो ये है कि जो जनरल सेकंड सीटिंग है कोविड 19 स्पेशल ट्रेन में, उनमें जो हम आम यात्री से जनरल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे जनरल क्लास में, अब कैसे करेंगे। तो बहुत से लोगों के मन में ये सोच है, सवाल है, तो उस सवाल को आज मैं पूरा क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो आपका भाई बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाता है और ये मेरा सेकेंड फेस कैम वीडियो है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जितने भी मेरे सेकंड सीटिंग पे सफर करने वाले जनरल क्लास के सफर करने वाले यात्री हो, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से रियल सिटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पहला जो सवाल है कि हम अभी कोविड 19 स्पेशल ट्रेन में कैसे जनरल में सफर करेंगे, तो उसका तो मैं आपको खुलासा करूंगा। प्लस एक ट्रेन के बारे में और बताऊंगा जो वेस्टर्न रेलवे ने अनाउंस किया है आज के दिन में, कि ट्रेन जो है मतलब वेस्टर्न रेलवे की तरफ से वेस्ट बंगाल की तरफ आने वाली है, मतलब गुजरात से वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करेगी एक और स्पेशल ट्रेन जो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है वो भी कनेक्ट करेगी, उसके बारे में बताऊंगा। और तीसरा, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा वीडियो के अंत में, अगर उस क्वेश्चन के आंसर अगर आप देते हैं तो आप जीत सकते हैं पेटीएम कैश, तो जरूर उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कि इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट करना है दोस्तों। तो कमेंट में जो रैंडमली मैं कमेंट में सेलेक्ट करूंगा जो जिसकी कमेंट सबसे अच्छी हो, IRCTC के साइट पे जाके जनरल सेकंड सीटिंग की जो आपकी ट्रेन है वहाँ से आप रिजर्वेशन कर सकते हो, या फिर काउंटर पे जाके जो ट्रेन से आप सफर करना चाहते हो वहाँ पर जाकर आप रिजर्वेशन करा सकते हो। आपको रिजर्वेशन करा लेने के बाद जब आप स्टेशन पे बोर्डिंग के लिए जाओगे तो एक घंटे पहले आपकी चेकिंग होगी, थर्मल स्कैनिंग वगैरह हो जाने के बाद फिर आपको ट्रेन में सीट बाय सीट बैठाया जाएगा। ऐसे नहीं कि हम खड़े होकर जाएंगे, भीड़ उमड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितनी 90 सीट जितनी भी सीटिंग्स होती है और उस ट्रेन की जो 90 सीट्स हो या 108 सीट्स हो, जैसा वो जनरल क्लास रहेगा, अगर सेकंड सीटिंग की जैसी कॉम्पोजिशन होगी उस तरीके से यात्री को बैठाया जाएगा सिर्फ उसी सीट पे, और बाकी जो है उन्हें खड़ा नहीं किया जाएगा ट्रेन में। अगर ऐसा होता है तो ये जुर्म है और रेलवे की तरफ से इसकी कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। तो कोई भी किसी आम स्टेशन से चढ़ के वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपको रिजर्वेशन करानी होगी सेकंड सीटिंग की, अगर आपको सेकंड सीटिंग में मतलब जनरल क्लास में कहीं सफर करना है तो रिजर्वेशन कराने के बाद ही आप कोविड 19 स्पेशल ट्रेन में सफर कर सकते हो दोस्तों। दूसरा, जो रेलवे ने अनाउंस किया है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो गुजरात से बंगाल की तरफ ट्रेन आने वाली है दोस्तों, वो जो ट्रेन है दोस्तों वो है भावनगर आसनसोल पारसनाथ एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, ये पारसनाथ एक्सप्रेस ये 20 तारीख से मतलब 20 अक्टूबर 2020 से ये स्टार्ट होने वाला है और ये ट्यूसडे को मतलब भावनगर स्टेशन से रन करेगी और थर्सडे को आसनसोल पहुंच जाएगी, फिर थर्सडे को आसनसोल से चलेगी और सैटरडे को फिर ये भावनगर को पहुंच जाएगी। तो ये वीकली अभी चलने वाली है और इसकी भी फर्दर नोटिस नहीं आएगी ये ट्रेन कब बंद होगी दोस्तों। और जो तीसरा आपके लिए जो मैंने सवाल लाया है जिस गेम में आप पार्टिसिपेट करके पेटीएम कैश जीत सकते हो दोस्तों, वो सवाल ये है। पहले मैं आपका पार्टिसिपेट करना है फिर दोबारा एक बार बता देता हूँ। पार्टिसिपेट आपको इस तरह करना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट अपना नीचे देना है। तो इसका रैंडमली कमेंट अच्छा होगा मैं उसे चूज करूंगा, उसकी लॉटरी होगी, तो आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड मतलब तीन पेटीएम कैश आप जीतेंगे। वो जो तीन लकी विनर जो होंगे उन्हें मिलेंगे पेटीएम कैश। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बस हम आज यहीं खत्म करते हैं, फिर आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो अगर चैनल पर नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है। जनरल में सफर करने वाले लोगों मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर भावनगर और आसनसोल से जो बिलोंग करते हैं वो भी मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे गुजराती भाई बंगाली भाई जरूर लाइक करें, और भाई बहुत मेहनत करता है वीडियो के लिए तो उसके लिए भी लाइक बनता है, और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह से रेल से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, टेक केयर एंड जय हिंद।